नमो राघव, जय जय श्री सीता, जय जय श्री सीता, बोलो दिशारानी मैया की जय, बहुत सच्चे दरबार की जय। एक ब्रज पर दो पक्षी नजर नर और मादा रहते थे, मादा पक्षी के बाद यह दिशारानी की नौमी कथा है। नमो राघवाय, मैंने नौमी कथा पूर्ण हो रही है। एक वृक्ष पर दो पक्षी नजर नर और मादा रहते थे, मादा पक्षी के बच्चे नहीं होते थे। जब वह चार चिड़ियों से मिलकर बैठती थी, प्राय वे उसको बंध्या कहकर उससे घृणा करती थी। एक से चिड़िया अपने चित्त में अत्यंत दुखी रहती थी, वह चिड़िया के समाज में बहुत कम मिलती जुलती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली एक नदी में पानी पीने गई। वहाँ स्त्रियाँ दशारानी के गड्ढे ले रही थी। उसका यह गड़ा दिखता, उसने आपस में कहा कि यहाँ कोई स्त्री या मनुष्य हो तो नहीं किसको यह गड्ढा दे देते, यह तो चिड़िया के गले में गड्ढा बांध दो, यह नित्य इसी जगह आकर कथा सुन लिया करेगी, इसको पूजन विधि बताया दी जाएगी तो पूजन के दिन वह पूजन भी कर लेगी। तदनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में गड़ा बांधकर उसे समझा दिया कि 9 दिन तक बराबर तू इसी जगह आकर कथा सुन लिया कर। 10वें दिन 21 गेहूँ लाकर एक गेहूँ दशारानी के नाम नदी डाल देना, बाकी 20 गेहूँ तुम खुद चुन लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक प्रेम पूर्वक कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों की बधाई बताई विधि के अनुसार गड्ढा पानी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों बाद उस चिड़िया के बहुत बच्चे पैदा हुए। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बोली इसके तो बच्चे होते ही नहीं थे, यह कैसे हुए। वे बोली कि जब मेरे बच्चे नहीं थे तब तो तुम कुछ बांध कहकर दुत्कारती थी, अब जब दशारानी ने मुझको दिए तो क्यों क्यों कोसती हो। चिड़िया ने उससे पूछा तो अपने गड्ढा लेने का हाल क्रम से कह सुनाया और वो सबकी पूजा की विधि बतलाई। जब जंगल में सब चिड़ियाँ दशारानी के पास करने लगी, 10वें दिन गड्ढे की पूजा की। 1 दिन की में ही उसके पूजा से उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई। बाद पहले के दिन की ही कथा कही जाती है। बोलो दशारानी मैया की जय। वैसे यदि ऐसे 10 कथाएँ नहीं तो बड़ी वाली जो कथा है आप उसको भी सुन करके दशारानी कर सकती हैं। राजा नल की कथा जो सबसे पहले वाली कथा है, और यह दशारानी की आरती है जो मैं आप सब लोगों को और साथ में गाय दे रही हूँ इसी कथा में। आरती श्री दशारानी मैया की जय, सत चित आनंद दानी की, बाबा भंजन और दशा सुधारण, पाप ताप कल कल सब धारण, स्वर्गलोक में सदा विहारण, जय पाल न दीन जननी की, आरती की जय दशारानी की, अकेल बेसो आनंद विदायन, मंगलमय सुमंगल दायन, आरती की जय दशारानी की, जब पावन प्रेम प्रदायन, अमिय राम रस रंग बली की, आरती की जय दशारानी की, नित्यानंदमयी हादिन, आनंद धन आनंद प्रसादिन, रसमयी रसमय मनोनुमादिस, सरस कमल निभि विष्णु बली की, आरती की जय दशारानी की, बोल दशारानी मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। नमो राघवाय, नमो राघवाय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। जिस किसी की भी जो मनोकामना हो वो दशारानी का व्रत करके और 9 सुहागने एक वृद्धा स्त्री इसको बगैर पति की होती है उसको बुढ़िया कह लो या वृद्धा कह लो, और एक कन्या, इस तरह 11 को भोजन कराया जाता है और बड़े विधि विधान से पूजा करने के बाद अवश्य दशारानी मैया सबकी मनोकामना पूरी करती ही करती हैं। तो हमारे यूपी में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इन सब जगह दशारानी का बहुत महत्व है। कभी संकट पड़ा तो संकटा मैया बोले दे रहे हैं, कभी दशारानी बोल रहे हैं,
कभी कंचकी बोल रहे हो, बड़े श्रद्धा भाव से हम सभी माताएं बहने इसे करते हैं। नमो राघवाय, नमो राघवाय, जय श्री।